हेलो गाइस, फिजिक्स की स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, एकेडमी ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के यूज़ के बारे में। कई बार बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर यूज़ ऑफ डायमेंशन को एक्सप्लेन करें, उनको शायद दिक्कत आ रही है। तो हम लोग डायमेंशंस पिछला लेक्चर पढ़े थे कि डायमेंशन क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के हमने डायमेंशंस भी देखे थे। आज हम लोग डायमेंशंस के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। डायमेंशन के बहुत सारे यूज़ हैं, हम लोग सबसे पहले यूज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। डायमेंशन किसी नंबर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये एक डायमेंशन का ड्रॉबैक है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन कि डायमेंशन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट वैल्यू और अबाउट एनी नंबर और लाइक ए साइन 30, साइन 45, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जिसके वैल्यू भी कॉन्स्टेंट हो, डायमेंशन उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता। आज हम लोग डायमेंशन के पहले यूज के बारे में जानना चाहते हैं। आपने 19th में पढ़ा होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये सब इक्वेशंस हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में डिफरेंट पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे, हम लोग इन सब पर भी बातचीत करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि v इज इक्वल टू u प्लस 80, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये जो इक्वेशन जो आप फिजिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या रियली में इज इट ट्रू, क्या ये सही है या गलत है, तो आप डायमेंशन की मदद से चेक करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन आपका सही है या गलत है। अब बोली कैसे, तो ये एक इक्वेशन है जहां पर v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। अब देखो इस इक्वेशन में तीन टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब अगर ये इक्वेशन सही है या गलत है, इसके लिए ऐसा करते कि वेलोसिटी का यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला लगाते और हम लोग जानते हैं कि ये होता है L1T-1। u भी वेलोसिटी है, इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लगाते L1T-1, और a एक्सेलरेशन है, इसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लगाते L1T-2, और बच्चों t टाइम है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लगाते हैं T1। अब ये आपका L1 हो गया, ये आपका T-1 हो गया, यहां भी आपका L1 हो गया, ये आपका T-1 हो गया, यहां पर ये आपका L1 है और ये T-2 और ये T+1 है। जब ये -2 और +1 है तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, -1 होगा। अब ये देखने से बनता है कि ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, इन तीनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर है। जरा गौर से देखिए, अगर किसी भी इक्वेशन के हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर हो तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा। व्हाट सुनेगा, मैंने कहा दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। मैंने ये नहीं कहा कि करेक्ट इक्वेशन है, मैंने कहा कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। आप लोगों के सर करेक्ट इक्वेशन और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में क्या फर्क है, तो भाई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन गलत हो सकता है। आप पूछ सकते हो कैसे गलत हो सकता है, मैंने पहले ही आपको कहा है कि डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता है। सपोज अगर आप यहां पे 5 पुट कर दो, सपोज अगर यहां पे आप 8 पुट कर दो, 8, और तब भी अगर देखोगे तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं ये नहीं कह सकते आप, लेकिन हां डायमेंशन की मदद से आप चेक करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है गलत हो सकता है, बट अगर एक बार अगर इक्वेशन अगर डायमेंशनली रॉन्ग हो गया तो फिर ये कभी सही नहीं हो सकता। मान लो अगर यहां पर
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। आप जानते हैं कि इस तरह का कोई फॉर्मूला फिजिक्स में है नहीं। अगर आपको चेक कर रहा हूं कि इक्वेशन आपका सही है या गलत है, तो वी स्क्वायर था मतलब आप यहां पर इसका स्क्वायर पुट कर रहे थे। अब स्क्वायर पुट कर रहे थे तो ये L2 हो गया और ये T माइनस 2 हो गया। अब इन तीनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर है ही नहीं, और अगर बराबर है नहीं तो ये फिर डायमेंशनली रॉन्ग है। और एक बार अगर कोई इक्वेशन अगर आपका डायमेंशनली रॉन्ग हो गया तो फिर ये कभी भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहां से दो चीजें तीन चीजें पता चल रही हैं। पहली मैंने क्या दिखाया, गौर से ऑब्जर्व करना कि अगर ये इक्वेशन है और अगर इसके हर टर्म का डायमेंशन अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा। नंबर एक, कोई जुड़ नहीं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल भी करेक्ट हो। तो यहां से पता चलता है कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो ये न्यूमेरिकली रॉन्ग हो सकता है, बट डायमेंशनली करेक्ट है। और इसका ठीक रिवर्स, अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग हो जाता तब फिर ये इक्वेशन बच्चों आपका किसी भी कीमत पर करेक्ट नहीं होता। हर टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर हो गया, होमोजीनियस एक जैसा होना। जरा गौर से देखिए, मैंने पहला यूज लिखा है डायमेंशन का, यूज ऑफ डायमेंशन टू चेक द इक्वेशन, इक्वेशन को चेक करना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल सिद्धांत, होमोजेनिटी एक जैसा होने का सिद्धांत। अगर हर एक टर्म का डायमेंशन किसी भी इक्वेशन के हर एक टर्म का डायमेंशन अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कहलाएगा। और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सपोज हमारा एक एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मान लो अब यहां पर v वेलोसिटी है l1 t माइनस 1 स्क्वायर, यू वेलोसिटी है, डायमेंशन पुट करेंगे एल वन टी माइनस वन स्क्वायर। ए डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कोई भी सूचना नहीं दे रहा है, ए एक्सीलरेशन है एल वन टी माइनस टू, और एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ के लिए डायमेंशन मैंने क्या पुट कर दिया है एल वन। अब कैलकुलेशन करो आप, टू वन से टू एल टू टी माइनस टू, यहां पर एल टू दो गुने माइनस वन माइनस टू प्लस, देखो एल वन और एल वन क्या हो रहे आपके एल टू, और यहां क्या हो गया टी माइनस टू। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों टर्म का डायमेंशन आपस में क्या है, बराबर है। और अगर इन तीनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर है तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या आपका करेक्ट है। अब वहीं पर था, टू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डायमेंशन के बारे में, क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता ही नहीं है। टू की जगह अगर 200 में रखो तब भी इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, बट इट इज, अगर यहां पर 200 हो जाए तो फिर यह न्यूमेरिकली रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जब हर एक टर्म का डायमेंशन अगर आपस में बराबर हो जाए तब ये इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आपने ये नाम सुना होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए लेंथ लेते हैं डायमेंशन, और लेंथ लेते हैं तो यहां पर l1 होगा। अब यहां पर u वेलोसिटी है l1 t माइनस वन, t टाइम है ये आपका हो गया t1, कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहां पर a एक्सीलरेशन है l1 t माइनस टू, और टी स्क्वायर है, यहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं टी टू। एस लेंथ एल वन, यू वेलोसिटी एल वन टी माइनस वन, टी टाइम है टी वन, प्लस ए एक्सीलरेशन है एल वन टी माइनस टू, और टी टू है तो टी के पावर टू। अब आप देखो यहां एल वन, यहां टी वन से टी माइनस वन कैंसिल हो गया, टी टू से टी माइनस टू कैंसिल हो गया, यहां भी एल वन बचा और प्लस यहां भी एल वन बचा। ये तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर है, इसलिए इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कहलाएगा। तो यहां से पता चला कि हम लोग डायमेंशन की मदद से चेक करके बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारा सही है या गलत है, चाहे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस हो, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो। मैं आपको एक एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कराने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप एनसीईआरटी बुक 11 की खोलेंगे, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 2.14, एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए बता रहा हूं। 2.14 न्यूमेरिकल है, पेज 35, वहां पे चार पांच क्वेश्चंस दिए गए ए बी सी डी करके। उसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, y इज इक्वल टू लिखा गया है a साइन
टू पाई टी बाई कैपिटल टी, और बोला गया कि जरा चेक करके बताओ भाई कि इक्वेशन आपका सही है या गलत है। पहले बात आपको कीप इन माइंड रखना है कि डायमेंशन हर कुछ कर सकता है, कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अब आप ढूंढो कि यहां पर कांस्टेंट क्या है। ये देखो आप साइन टू पाई मतलब साइन 360 डिग्री, ये एक नंबर है, आप नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डायमेंशन से नहीं ले सकते। अब यहां पर बचा वाई इज इक्वल टू ए, और यहां बच गया टी, और यहां बाई टी। आप उसे पूछ सकते हैं कि सर वाई और ए क्या बोला, तो एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि वाई भी आप लेंथ कंसीडर करें और ए भी लेंथ कंसीडर करें, और ये जो दोनों टी है ये आपका टाइम कंसीडर होगा। तो वाई भी लेंथ है, ए भी लेंथ है, टी ये दोनों जो है आपका टाइम है। अब आप चेक करते हैं, वाई लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1 पुट करते हैं, A लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1 पुट करते हैं, T टाइम है, T का डायमेंशन फॉर्मूला T1 पुट करते हैं, T टाइम है, T का डायमेंशन फॉर्मूला T1 पुट करते हैं। दोनों टर्म कैंसिल हो गया, L1 बराबर L1, इट मींस दोनों टर्म के डायमेंशन बच्चों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन आपका क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक उसके बाद की अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए साइन वी टी, और बोला गया कि जरा चेक करके आप बताओ कि इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है या फिर क्या आपका रॉन्ग है। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आपका क्या करा है, y इज इक्वल टू a साइन vt, a और y लेंथ है, v वेलोसिटी है और t टाइम है। आपको चेक करके बताना है कि इक्वेशन आपका सही है या गलत है। अब देखो साइन के बारे में डायमेंशन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, y लेंथ है, लेंथ के लिए हम क्या पुट कर रहे हैं l1, ए लेंथ है, लेंथ के लिए क्या पुट कर रहे हैं एल वन, वी वेलोसिटी है क्या पुट कर रहे हैं एल वन टी माइनस वन, और टी टाइम है क्या पुट कर रहे हैं टी वन। अब टी वन और टी माइनस वन आपके क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। अब जब कैंसिल हो जा रहे हैं तो इधर एल वन और इस तरफ क्या हो गया एल टू। जरा देखना और बताना कि क्या इन दोनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर है, जवाब है नहीं, L1 बराबर कभी भी L2 के नहीं हो सकता। अब चूंकि दोनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए ये इक्वेशन बच्चों डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन कहलाएगा। जरा गौर से देखिए, क्लियर है यहां से बात, क्रिस्टल की तरह से क्लियर है कि किसी भी इक्वेशन को आप चेक करके बता सकते हो कि सही है या गलत है, अगर उसके हर टर्म का डायमेंशन अगर आपस में बराबर हो गए, एक जैसे हो गए, होमोजीनियस हो गए, तो कहा जाएगा कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर नहीं तो फिर वो इक्वेशन आपका डायमेंशनली रॉन्ग है। यहां से क्वेश्चंस एक टाइप्स का आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है, मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं। कई जगह आप कॉम्पिटिशंस वगैरह में उस तरह के न्यूमेरिकल को देखेंगे, मैं बोर्ड पर उस क्वेश्चन को डिलीवर करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का आएगा, मैं चाहूंगा कि आपका पूरा कंसंट्रेशन यहां बना हो। मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी बाई डी प्लस टी स्क्वायर। सपोज दिस इज अ इक्वेशन बिलोंग टू फिजिक्स, ये एक समीकरण है जो फिजिक्स से बिलोंग कर रहा है। y यहां पर लेंथ है, t यहां पर टाइम है, a b c और d जो है वो कॉन्स्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, और अगर ये क्वेश्चन दे दिया गया, वैसे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन में कुछ ऐड नहीं करता, बट अगर आप बुक्स में देखो कहीं कहीं ऐड करता है कि ये इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में दे दिया डायमेंशनली करेक्ट तब भी अच्छी बात है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया डायमेंशनली करेक्ट तब भी अच्छी बात है। तुम मुझसे पूछोगे सर क्वेश्चन क्या, पहले ये तो बता दो। क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्वेश्चन है वाई अगर लेंथ है, टी अगर टाइम है, तो कांस्टेंट ए बी सी एंड डी का डायमेंशन ज्ञात करें, डायमेंशन निकालें, किसका ए का, बी का, सी का और किसका डी का। आइए अब जैसे आप कभी भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, इक्वेशन हो, कीप इन माइंड अगर ये इक्वेशन है, डायमेंशन बोल दिया निकालने के लिए, मतलब डेफिनेटली ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, करेक्ट होना है। अगर क्वेश्चन में दे दे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है
तब तो बल्ले बल्ले है। और अगर नहीं भी दे और बोले इन सबका डायमेंशन निकालो, जैसे बोला डायमेंशन निकालो, मतलब ये इक्वेशन आपका डेफिनेटली क्या है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना इसका डायमेंशन होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और अगर हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर है तो आप किसी टर्म को किसी के बराबर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो y बराबर at, y बराबर bt square, at बराबर bt square, y बराबर this term, क्योंकि ये dimensionally क्या आपका correct equation है। अब देखो मुझे a का dimension निकालना है, b का निकालना है, c का निकालना है और d का निकालना है। Think on it, solution मैं करने जा रहा हूं। चूंकि equation dimensionally correct है, आप यहां से clear लिख सकते हो at is equal to y या a is equal to y by t। देखिएगा आपने लिख दिया at is equal to y या a is equal to y by t। y आपका लेंथ है l1 और t आपका टाइम है क्या हो गया t1। देखते रहिए, अब आप l1 और t1 को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है t minus 1। मतलब a का डायमेंशन आपका निकल चुका है, कितना आ गया भाई l1 t minus 1। उसी तरीके से आप चाहें ऑल्सो y बराबर आप लिख सकते हो bt square या b is equal to आप लिख सकते y by t square। y length है l1 और t square का हम t2 लिखते, यहां पर l1 और t2 को जब अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है t minus 2। मतलब b का dimension हो गया l1 t minus 2। मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि ये equation आपका dimensionally correct है। और अगर dimensionally correct है तो हर एक term का dimension आपस में क्या होता है, बराबर होता है। same way में आप ये भी लिख सकते हो, also आप चाहो तो लिख सकते हो y is equal to c by d plus t square। ये आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हर टर्म का डायमेंशन आपस में क्या है, बराबर है। अब आप जो बराबर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, yd plus yt square is equal to what c। देखिए ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट, मैंने इन दोनों टर्म के आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है तो हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में क्या होना है, बराबर होना है। अब चलो जब बराबर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिया है। अब एक बात और आपके ज्ञान के लिए बता दूं, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब अगर करेक्ट होगा तो हर टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर लिख सकते हो। आप चाहो तो लिख सकते हो यहां से yd इज इक्वल टू ये yt स्क्वायर के, y से y कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू t स्क्वायर और t स्क्वायर का डायमेंशन इज नथिंग बट व्हाट t2। तो d का डायमेंशन निकल गया t2। ऑल्सो आप चाहो तो लिख सकते हो c इज इक्वल टू yt स्क्वायर। अब c इज इक्वल टू y मतलब लेंथ l1 और t स्क्वायर मतलब आपका हो गया t2। मतलब c का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया l1 t2। तो आपने देखा कि अगर कोई इक्वेशंस अगर आपको दिया हो फर्दर, और अगर आप चाहते हैं, मान लिया यहां पे इक्वेशंस दिया था, बोला था कि सब कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, हमने क्या किया, हमने मान लिया, मानना क्या था, ऑटोमेटिकली करेक्ट होना ही था कि हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। किसी को किसी के बराबर करके हम सारे डायमेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस यूज पर मैं आपको देने जा रहा हूं, हर जगह पॉपुलर बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगी। अगले एग्जाम्पल्स की तरफ एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू ए टी बाई बी प्लस वी। वेरी नाइस क्वेश्चन, ए फोर्स वी वॉल्यूम, एफ इज फोर्स और आप जानते हैं कि टी टाइम है। बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी का डायमेंशन ज्ञात करें, ए और बी का डायमेंशन निकालें। बस यही सवाल आपसे किया गया। आप जानते हो भाई कि जैसे बोला ए और बी का डायमेंशन, मतलब ये इक्वेशन आपका डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एफ बी प्लस एफ वी बराबर ए टी। अब चूंकि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हर टर्म का डायमेंशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सो आप लिख सकते हो यहां से ए टी इज इक्वल टू एफ इन टू बी। ए और टी का डायमेंशन होता है टी वन, फोर्स का डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन एल थ्री। जरा देखना ए इज इक्वल टू एम वन, यहां पर एल वन और एल थ्री, ये हो गया एल फोर
और यहां हो गया टी माइनस टू, और ये टी वन नीचे चला गया तो टी वन रहा। अब अगर ये ऊपर आएगा तो एम वन एल फोर और आपका हो गया टी माइनस थ्री। तो ए का डायमेंशन कितना हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल फोर टी वन ऊपर चला गया तो टी माइनस वन, और यहां पर माइनस टू पहले से, तो क्या हो गया आपका टी माइनस थ्री। ये ए का डायमेंशन आ गया। अब ऑल्सो आप चाहो तो एफ बी को एफ वी के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू वाट एफ वी, एफ से एफ कट गया, बी इज इक्वल टू वाट आपका वी, और बी बराबर वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया आपका एल थ्री। देखा आपने कि डायमेंशंस का पहला यूज हमने क्या देखा, कि डायमेंशन की मदद से हम चेक करके बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारा सही है या गलत है। और उसका सबसे बढ़िया क्लासिकल क्वेश्चंस क्या था कि इक्वेशन अगर आपको दे दे और बोले किसी टर्म का डायमेंशन ज्ञात करो, तो आप ऑटोमेटिकली इस बात को माइंड में रखें कि अगर इक्वेशन होगा और अगर आपसे डायमेंशन पूछ रहा है किसी कॉन्स्टेंट टर्म का, तो निश्चित रूप से वो इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है। तो ये आज का मेरा वीडियो था डायमेंशन के पहले यूज पर। अगले यूज को हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और हिम्मत बढ़ाएं। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर मुझे और हिम्मत देगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रिलीज़ करके आपके सामने लाऊं बहुत सारे सिंपल लैंग्वेज में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। साउंड की क्लियरिटी आपको बदली लग रही होगी, पिक्चर क्वालिटी बदली हुई लग रही होगी। हमारा यूट्यूब चैनल लगातार इंप्रूव कर रहा है। आप जैसे जैसे हमें बता रहे हैं, आप सजेशन दे रहे हैं, हम आपके सजेशंस को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो अच्छी क्वालिटी, साउंड अच्छी क्वालिटी के साथ आप अच्छे फिजिक्स को पढ़ें। आज अपने आरी खान को विदा दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।